तो दोस्तों आज हम अपना साइंस का पहला सवाल देखते हैं, जो कि है व्हेन ए मूविंग बस सडनली अप्लाइज ब्रेक्स द पैसेंजर सिटिंग इन इट फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। तो अपना अगला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो चार ऑप्शन देखिए, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा फ्यूल सेल्स। अगला क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? ये मेजरमेंट करती है आपकी डिस्टेंस को। अगला सवाल है 19th, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ। अब फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, द वेट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज, इसमें मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन होगा, मैक्सिमम एट पोल्स। अगला क्वेश्चन है, वाटर हैज इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट। अगला क्वेश्चन आपका, इफ टू पीसीज ऑफ आइस आर म्यूचुअली प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर देन दीज पीसीज स्टिक बिकॉज। अब ये ऑप्शन आपके, एट हायर प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस। ये ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देते हैं। अगला सवाल देखते हैं, एक्सरेज आर इन्वेंटेड बाय। ये तो बिल्कुल सिंपल है, सेकंड ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वुड एक्सपेंड द मोस्ट ऑन बींग हीटेड। कौन सी चीज़ गर्म होने पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, ये बताना है आपको। अब ये देखिए कितने ईजी क्वेश्चन है, 25वां, द यूनिट ऑफ साउंड इज, ये होती है डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक वेव हैज इट्स फ्रीक्वेंसी। अब जैसे कि आपको पता है, जो अल्ट्रासोनिक होती है वो होती है 20,000 से ऊपर, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम सुपरसोनिक वेव्स भी बोलते हैं। अब दूसरी आती है ऑडिबल वेव्स, जो कि होती है हमारी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो भी वेव्स आती है वो होती है हमारी ऑडिबल वेव्स, जो हम सुनते हैं। तीसरी जो आती है वो होती है इंफ्रासोनिक, जो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज, वो होती है हमारी इंफ्रासोनिक्स। जैसे कि हमारी हार्ट बीट है वो 20 हर्ट्ज से नीचे की वेव्स है, तो इसलिए वो इंफ्रासोनिक वेव्स होती है। तो अगला सवाल देखते हैं अपना, जो कि है, इफ़ ए शिप मूव्स फ्रॉम फ्रेश वाटर इनटू सी वाटर इट विल। अब भाई मेरे हिसाब से तो ऑप्शन होगा थर्ड, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो थोड़ा खारा होता है, जिसकी वजह से चीज़ें उसके अंदर डूबती नहीं है, थोड़ी ऊपर ही ऊपर रहती है। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अगला है, ए ग्लास ऑफ वाटर डज नॉट टर्न इनटू आइस एज इट रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस इट इज़ बिकॉज। आगे बढ़ते हैं अपने 30वें सवाल पे, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थियरी। अगला है, मिनरल्स क्या होते हैं, लिक्विड्स, गैसेस, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स या ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल आया था 32, आर्टिफिशियल सिल्क इज ऑल्सो कॉल्ड। अगला क्वेश्चन है अपना 33वां, विच इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट। अगला है, एट वट हाइट डज ए जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ। ये तो बिल्कुल सिंपल है, 36,000 किलोमीटर होता है। अगला सवाल है, टेफ्लॉन इज ए फ्लोरोकार्बन हाइड्रोकार्बन पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स। अगला क्वेश्चन आपका, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ शुगर। अगला क्वेश्चन हमारा, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, ये सिंपल सा है, फीमर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगला क्वेश्चन देखिए 39th, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स मैक्सिमम न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स इन द ब्लड आर एब्जॉर्ब्ड। अगला सवाल है, जॉन्डिस कॉजेज द इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन किडनी लिवर स्प्लीन। अगला क्वेश्चन है, जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। 43वां, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। अगला सवाल है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। दोस्तों अपना अगला सवाल है, इनमें से चारों लैंग्वेज में इसमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल के अंदर नहीं आती है। तो सिंपल सा दिख रहा है हमें कि इंग्लिश नहीं आती है, बाकी संस्कृत सिंधी नेपाली ये सारी 8वें शेड्यूल के अंदर आती है सारी लैंग्वेजेस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ रैम प्रोसेसर हार्ड डिस्क ऑल ऑफ द अबव। कितना ईजी। अगला क्वेश्चन हमारा, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। ये सर्च करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हु लेड द डांडी मार्च। डांडी मार्च को किसने आगे बढ़कर लीड किया था,
एमके गांधी, राजमोहन गांधी, देवदास गांधी, हीरा लाल, मोहनदास गांधी। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माउंटेन इज हिमालय, हिमालय किस टाइप का माउंटेन है, रेजिडुअल है, फोल्डेड, ब्लॉक, वोल्केनिक। अगला क्वेश्चन हमारा 51, जिसमें ये पूछा गया है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे, वो राज्यसभा के अंदर कितने लोगों को, कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, 10, 12, 14, 16। तो इसका सिंपल सा आंसर है 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय विच प्रोसेस डज सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीच कलर्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 10वें हमारे राष्ट्रपति कौन थे, यानी जेल सिंह, प्रणब मुखर्जी, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकट रमन। अब दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, इस पेपर के अंदर 6 सवाल गलत थे, जिनमें से एक ये है 55 नंबर, क्योंकि हमारे 10वें जो राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायणन। तो ये खाली मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, आंसर आप खुद से फाइंड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा करंट का, अब इसमें ये देखिए, विनर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल्स इन 2014 के अंदर कौन था, ये उस टाइम पे 2014 के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ था, तो बिल्कुल करंट का क्वेश्चन पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन है, टोनी अबॉट कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया अटेंड फ्रीडम, तो उस टाइम पे जब इंडिया को आज़ादी मिली थी तो उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे इंडिया के, लॉर्ड कर्जन, माउंटबेटन, मिंटो, हार्डिंग। अब एक क्वेश्चन आता है हमारा, इन विच ईयर वाज द लैंड एक्विजिशन एक्ट पास्ड, कौन सी ईयर में ये एक्ट पास हुआ था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन था, साइंस या जीके दोनों मिला के, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, इसका आंसर था 1975 के अंदर हमारी जो पहली भारतीय सैटेलाइट थी आर्यभट्टा वो लॉन्च की गई थी। तो दोस्तों ये था साइंस का पेपर जो हमने दिया था 2014 के अंदर। बाकी पेपर को देख के आप यही कहेंगे कि पेपर बहुत ईजी था। ये इजी आप इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि आपके पास गाइडेंस काफ़ी है। तो दोस्तों अपनी तरफ से पूरी जान लगा दीजिए, जो कोई बुक मिलती है, चाहे लूसेंट हो, चाहे NCERT हो, चाहे आपके पास कोई आपने खुद के नोट्स बना रखे हो, चाहे और किसी टीचर से पढ़ रखे हो, जो भी चीज़ आए सब कुछ पढ़ दो, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।